Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हमने फुल चैप्टर सॉल्यूशन की जो सीरीज स्टार्ट की दोस्त, उसमें हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिए लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 की अपनी इस वीडियो में। फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लो। और कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट में पूरा कंप्लीट हुआ जा रहा है ये चैप्टर। कॉन्सेप्ट नंबर 4 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कॉन्सेप्ट नंबर 5 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कॉन्सेप्ट नंबर अगेन 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 2। तीनों कॉन्सेप्ट के नोट्स अगर आपके पास हैं तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा साथ के साथ। नहीं है तो जीनियस बच्चा ऐप डाउनलोड करो, वहां पूरे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई ओवर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2022। मतलब बैलेंस शीट दी हुई है आपको 1 अप्रैल 2022 की, मानो या 31 मार्च 2022 की, जहां एक्स और वाई दो पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोस्त इनका 5:3, यानी 5/8 and 3/8। ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग टू 3:5। भैया ये इनका ओल्ड था, अब ये उल्टा चल रहा है। मतलब जिस पर 5 था उस पर 3 हो गया, और जिस पर 3 था उस पर 5 हो गया। मतलब सिंपल सा आप समझो, एक ने गेन किया है और एक ने सैक्रीफाइस किया। आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे किसने गेन किसने सैक्रीफाइस। पहले ज्यादा था अब कम हो गया सैक्रीफाइस, पहले कम था अब ज्यादा हो गया गेन, पर हम फिर भी फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है जहां पर एसेट साइड गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बड़े काम के आइटम है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो डेबिट साइड जाएंगे। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बड़े काम के आइटम है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनेगा तो क्रेडिट साइड जाएंगे। अब चलते हैं सीधे सर, पॉइंट नंबर 1, गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। क्योंकि गुडविल हमें निकालनी ही पड़ेगी, हमें पता है, तो मैं इसका वर्किंग नोट बना ले रहा हूँ यहीं पर। गुडविल इक्वल्स टू, सर वर्किंग नोट में ही लिखाएंगे, क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में सिर्फ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का मेन सॉल्यूशन बोल रहा है, तो गुडविल इक्वल्स टू जो भी तरीके से निकाली गई है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। जो बच्चे कंफ्यूज ना होते हो, मैंने लास्ट चैप्टर में 39 क्वेश्चन आपको कराए थे एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ परचेज ईयर का इंटू करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा, अगर देगा तो दैट इज 2। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे आप, 2020, 2021, 2022 को डिवाइड दे देंगे दोस्त 3 से। 7500 का है, 4000 का और 6500 का है। 7500 का है, 4000 का है और 6500 के, 3 साल के प्रॉफिट है, जोड़कर डिवाइड कर दीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 7500, 6000, 13, 14, 18000, 18000 रुपीज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 6000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट्स को यहाँ रखते हैं, इंटू करते हैं 2 में, गुडविल आएगी आपकी 12000 रुपीज। जब आएगी, किसी काम में आएगी, चेंज निकाला जाएगा तब देख लेंगे। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ, जहां पर दोस्त मशीनरी और स्टॉक को रिवैल्यू किया गया है 45,000 and 8,000 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है दोस्त? यहां पर मशीन की वैल्यू दी हुई है दोस्त बैलेंस शीट में 38,000 और स्टॉक की वैल्यू दी है 7,000। तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 38 से बढ़कर 45 हो रही है। अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, दिल से बताओ क्या होगा? मेरा ये फोन है जिससे वीडियो बना रहा हूं, इसकी 50,000 रुपए की कीमत थी, और अगर इसकी 60,000 वैल्यू हो जाए, वैसे तो कभी होगी नहीं, तो आप मुझे बताओ मुझे खुशी होगी या दुख होगा? सर बहुत खुशी होगी, क्योंकि प्रॉफिट होगा आपको। सिमिलरली स्टॉक 7000 का था, 8000 का हो गया, तो 1000 रुपए का वहां भी प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोनों ही चीजें क्रेडिट साइड में जाएंगी, बिकॉज दीज आर प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। प्रॉफिट को क्या किया जाएगा दोस्त? क्रेडिट किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। बहुत आसान है एडजस्टमेंट, मतलब इससे कठिन कठिन आप कर चुके हो अब तक।
मशीनरी 38,000 की है, जो कि बैलेंस शीट में आपको दिख रही होगी, उसकी वैल्यू हो गई है 45,000 रुपीज, मतलब 7,000 रुपए से मशीन की वैल्यू बढ़ गई है बाय मशीनरी 7,000। स्टॉक था 7,000 रुपए का, अब हो गया 8,000 रुपए का, मतलब 1,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई है। 8,000 रुपए का आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, और इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को 5:3 में बांटोगे या 3:5 में बांटोगे? सर पुराना प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स हैं, तो रेशियो भी पुराना लिया जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स के खाते में जाएगा 5,000 और वाई के खाते में जाएगा दोस्त 3,000, दोनों मिलाकर 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। सिंपल है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका तैयार हो गया बनके। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें क्वेश्चन में बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर एक्स, फिर वाई, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एक्स और फिर वाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा एकदम फॉर्मेट है, सेम रिवैल्यूएशन का और इसका सेम ही है। देखो फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां क्योंकि जितने पार्टनर होंगे आपको उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे, दो होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन और चार होंगे तो चार। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पार्टनर्स के बैलेंस ढूंढने हैं, जो कि आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे, दिख रहे होंगे आपको 52,000 रुपीज और 54,000 रुपीज, 52,000 और 54,000 फोकस करा रहा हूं मैं यहां पर आपको। 52,000, 54,000 ये ओपनिंग कैपिटल होती है दोस्त, जिससे शुरुआत होती है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। 52,000 ये है और 54,000 ये है, 52,000 और 54,000। After that, जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि बड़े काम की चीज है, बड़े बड़े काम की चीज है। मतलब जनरल रिजर्व, अगर लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे दे, कॉन्टिजेंसी रिजर्व दे दे, प्रॉफिट एंड लॉस दे दे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब काम के, क्योंकि वहां से उठकर इधर आएंगे या आ सकते हैं। मतलब जनरल रिजर्व तो आएगा ही आएगा, जब तक क्वेश्चन दो चीजें ना बोले, क्या, या तो ये ना बोले कि भाई जनरल रिजर्व को हमें नई बैलेंस शीट में शो करना है, तो भी नहीं आएगा यहां पर, क्यों, क्योंकि बांटा ही नहीं जाएगा, सिर्फ एडजस्ट किया जाएगा। या फिर बोले जनरल रिजर्व विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है आपको 10,000 रुपए का। अब मैं क्लेम देखता हूं, क्लेम है मेरा 6,000 का, अगर क्लेम 12,000 होता तो 2,000 का लॉस यहां आता, क्लेम 15,000 होता तो 5,000 का लॉस यहां आता, पर क्लेम 6,000 है, तो मैंने आपको अगेन कॉन्सेप्ट 4 के नोट्स दिख रहे होंगे, वहां पर 10,000 का रिजर्व है, गुल्लक में 10,000 है, सिर्फ काम में इस बार 6,000 रुपए आएंगे, इधर उठाकर रख दूंगा 6,000, क्लेम वालों को पकड़ा दूंगा, 4,000 रुपए के प्रॉफिट काय में बटेगा सर, यहां बटेगा। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 4,000 को किस रेशियो में बांटूं, ओल्ड में या न्यू में? सर हर बार एक ही सवाल, हमेशा ओल्ड में बटेगा, 2500 1500, बहुत आसान है जी सर। जनरल रिजर्व जो है आपका 4,800 रुपए का, ओके 4,800 का ही ना, हाँ 4,800 रुपए का, वो भी किस रेशियो में बटेगा, 5:3 में, तो एक बार कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, ये बटेगा 3,000 और 1,800, 3,000 और 1,800 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट के एसेट साइड में 8,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है 800 रुपए, दोनों ही चीजें डेबिट साइड में आएंगी, टू गुडविल 8,000 रुपए, 5:3 में बटेगी दोस्त यहां पर। सर ये गुडविल क्यों बांटी जाती है और डेबिट साइड में क्यों लिखी जाती है, क्या ये लॉस है? नहीं, ये लॉस नहीं है, ये कुछ उसी तरीके की बात है जिस तरह आपकी कोई नई वाली आ जाए और पुरानी वाली को आपको ना चाहते हुए भेजना पड़ रहा है। मतलब कैसे बातें कर रहे हैं सर आप, क्या समझाना चाह रहे हैं हमको? मतलब सर हमारी गुडविल हमारे पास थी अब तक 8,000 की, पर सामने हमारी दूसरी गुडविल खड़ी हो गई है 12,000 रुपए की, तो नई गुडविल अच्छी लग रही है क्योंकि नई नई है, तो पुरानी वाली को घर भेजना पड़ेगा, ठीक है जाओ पिया के घर, तो गुडविल पुरानी वाली को हम भेज देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, उन्होंने कहा अब तक तो हमारे साथ थी, हमें बहुत अच्छा लगा, पर आज हमारा तुम्हारा साथ खत्म हो गया है, ठीक है ना, आना इस देश लाडो अब,
मतलब गुडविल पुरानी वाली को राइट ऑफ करने का क्या तरीका है दोस्त? इधर नई वाली जो 12,000 है उसका एडजस्टमेंट होगा, एक पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होगा उसे क्रेडिट करेंगे और एक पार्टनर गेनिंग होगा उसे डेबिट करेंगे। सर बहुत टूट जाएगा, इतनी प्यार से मत मारो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 800 रुपये का है। सर ये क्या होता है? सर ये लॉस होता है, लॉस। हमने एडवर्टाइजमेंट के कई सारे बैनर पैम्पलेट संभाल लिए, होर्डिंग्स बनवा ली, कई सालों तक बनवा रखी थी हमने। क्या आज इसे आप बेचोगे तो उतने रुपए मिलेंगे जितने रुपए की ये थी? सर ये मुश्किल से 50 रुपये 100 रुपये भी नहीं मिलते पैम्पलेट के, तो जिनको हम 1,000 रुपये की पैम्पलेट छपवाते हैं मार्केट में, रद्दी में बेचोगे तो 500 रुपये भी नहीं मिलते आपको, ठीक है? 50 रुपये भी नहीं मिलते। 500 रुपये का इधर आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और 300 रुपये का इधर। सिर्फ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को डालेंगे अगर आप क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन पे हमेशा ध्यान रखना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ऐसे मैं भूल रहा था अभी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 का प्रॉफिट एक है और 3,000 का एक है। अब सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है आपकी गुडविल की, सिर्फ लास्ट। उसको कंप्लीट करने के बाद आपका क्वेश्चन तैयार है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। पर गुडविल की एडजस्टमेंट होगी कहाँ? देखो 12,000 रुपये की गुडविल आ रही है। यहीं पर मैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल दे रहा हूँ वर्किंग नोट में। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, वर्किंग नोट कहीं भी बना सकते हो क्वेश्चन के अलावा, पर बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दो पार्टनर है, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स और एक वाई। न्यू रेशियो क्या है दोस्त? 3:5, मतलब 3/8 इधर, 5/8 इधर। पुराना क्या है सर? 5/8 और 3/8, यानी 3/8 में से 5/8 गया, 3 में से 5 गया, माइनस का 2/8। हमने फॉर्मूला लगाया था गेनिंग का, न्यू माइनस ओल्ड, पर न्यू तो कम रह गया, मतलब आपके पास पहले 50 रुपये थे, मैंने छीन लिया आपसे 20 रुपये, तो कितने रह गए? 30 रुपये। तो 20 रुपये का आपने सेक्रीफाइस किया है, यानी सेक्रीफाइस हुआ है। टी एस ग्रेवाल सर की बुक के फुल चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को, 2/8 का। और सिमिलरली गेन भी हुआ है 2/8 का। तो Y डेबिट होगा दोस्त और X क्रेडिट होगा। मैं यहां पर जनरल एंट्री लिख दे रहा हूं, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। Y को डेबिट किया है मैंने 2/8 से और X को क्रेडिट किया है मैंने, क्यों? गुडविल एडजस्ट करने के लिए। तो गुडविल ऑफ ₹12,000 एडजस्टेड, 12,000 रुपये की गुडविल मैंने यहाँ कैलकुलेट करी थी, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया दोस्त आपके यहाँ पर आराम से इज्जत से। 12,000 रुपये का इंटू करूँगा 2/8 में, तो यहाँ आएगा 3,000 और यहाँ आएगा 3,000। 3,000 रुपये में डेबिट करेंगे वाई को और 3,000 से क्रेडिट करेंगे ओ वाई को। तो सर 3,000 रुपये से एक्स क्रेडिट हुआ है, यानी मैं किसके खाते में जाऊँ? एक्स के खाते में जाके लिख दूँ 3,000। पर क्या एक्स के खाते में एक्स का नाम लिखूँ या वाई का? जल्दी से बताओ मुझे, एक्स के खाते में एक्स का नाम लिखूं या वाई का? सर एक्स की तो बात ही मत करिए, एक्स का नाम कभी नहीं लिख सकते हम कहीं भी, अगर लिख दिया तो वाई गुस्सा हो जाएगी, ठीक है? यानी एक्स को मैंने क्रेडिट किया है, वाई का नाम लिखा, पर वाई को मुझे डेबिट करना है। वाई को, अरे तुषार देखियो, वाई को डेबिट करना है तो मैं किसका नाम लिखूं? एक्स का। यानी मुझे एक्स से कोई मतलब नहीं है, पर वाई को डेबिट करूंगा मैं 3,000 रुपये से। आई होप समझ में आ गया होगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, मैंने डेबिट किया। सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है, मैंने क्रेडिट किया। ये अब तक करता आया था पिछले कई सारे सवालों में, पर हमें इसे पोस्ट करना सीखा है इससे और इससे पिछले सवाल में, कि जो पार्टनर क्रेडिट होता है दोस्त उसके क्रेडिट साइड गया, पर नाम उसका नहीं लिखना। एक्स के खाते में एक्स का अमाउंट डाल दो पर नाम वाई का, वाई के खाते में वाई का अमाउंट डाल दो पर नाम एक्स का। वाई डेबिट है इसलिए डेबिट साइड गया हूं, एक्स क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड गया हूं। अब बच्चा कोई ऐसा तो मासूम सा नहीं बैठा, सर क्रेडिट साइड कौन सी होती है? कोई प्यारा सा बच्चा ऐसा तो नहीं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टोटल करें फटाफट से, इधर का टोटल माइनस कर देंगे, 52, 53, 5, 55,000, 60,000, 63,000, 65,500 माइनस करेंगे 5,500 तो 60,000 रुपये आएगा। टू बैलेंस शीट, ये कौन सी कैपिटल है? ये वो कैपिटल है दोस्त जो आपकी बैलेंस शीट में शो होगी लाइबिलिटी साइड। अब उसे मैं एक बार चेक कर लूँ, सही है भैया 60,000 रुपये, बहुत कम सही आते हैं हमारे आंसर कभी कभी। 54,000, 57,000, 58,000, 59,000, 60,300, 60,300 इसमें से माइनस कर देंगे 6,300, 54,000।
बहुत सिंपल है ये बैलेंस शीट वाली कैपिटल का क्या काम है सर, जो नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे ना इसके नीचे ये री बैलेंस शीट सब लोग सीख लो भाई साथ साथ। अरे ये क्या कर दिया मैंने, लाइबिलिटी तो काफी लंबी चौड़ी बना दी। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, देन दोस्त हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर गुडविल जो दी हुई है बैलेंस शीट में 8,000 रुपए की, वो अब नहीं आएगी क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रही, वो पुरानी थी चली गई, यहां राइट ऑफ हो गई। मशीनरी आएगी दोस्त जिसकी पुरानी वैल्यू तो 38,000 थी, पर हमने रिवैल्यूएशन में झांक कर देखा तो 7,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी इसकी नई वैल्यू 45,000 रुपीज है। कितनी है? 45,000 नई वैल्यू है। मशीनरी के बाद फर्नीचर दिया हुआ है 15,000 रुपए का, फर्नीचर दिया हुआ है 15,000 का। डेटर्स दिए हुए हैं दोस्त 33,000 रुपीज के, डेटर्स दिए हुए 33,000 रुपीज के। स्टॉक दिया हुआ है 7,000 का, पर रिवेल्यूएशन में 1,000 का प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ मैं जोड़ू या घटाऊं? सर आप जोड़ो या ना घटाओ, मैं यहां नीचे वैल्यू दी तो है 8,000 रुपए, तो स्टॉक 7,000 प्लस 1,000 8,000 रुपए की स्टॉक है। आफ्टर दैट बैंक बैलेंस दिया हुआ है 25,000 रुपए का, जिसमें कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा जब तक ये वाला चैप्टर चल रहा है, अगले चैप्टर में कुछ आ सकता है एडमिशन में। सिंपल था, गुडविल आएगी नहीं, मशीनरी प्लस कर कर लिख दी, पहले 38 की थी अब 7,000 का प्रॉफिट हो गया, प्लस हमारी नई मशीन की वैल्यू क्या है 45। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, डेटर्स में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में 1,000 रुपये बढ़ गया और बैंक बैलेंस है। अब लाइबिलिटी साइड चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल के अकाउंट ताकि कभी भूले नहीं हम। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल 60,000, 54,000। इसके बाद जनरल रिजर्व 4,800 रुपये का क्या आएगा सर? सर रहा ही नहीं है जनरल रिजर्व, गया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 का आएगा क्या? सर रहा ही नहीं है, गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा 1,000 का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए का। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 5,000 रुपए के। अब मैं बताऊं, अब आप टोटल कर लो, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। आप टोटल कर लो, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। सर ऐसे कहते आप इधर का करो, मैं इधर का कर रहा हूं, ठीक है। 4,515 60, 60 और 25 85, 893 96, 1,26,000। एक बार चेक कर लो, पिछली बार गलती हो गई थी 126। भैया मेरा तो मैच कर गया, आप लोगों का कितना आ रहा है? 1,20,000 तो टोटल नहीं आ रहा है। सर ये क्या, आप कहाँ फंसा रहे हो? मैं आप लोगों का टोटल आ रहा होगा 1,20, 60, 54, 1,14, 1,15, 1,20, 6,000 रुपये का वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज रुपीज 6,000। 6,000 रुपये का वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है जो कि रह गया है बकाया, उसको हम अब लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन। इसे क्यों लिख रहे हैं लाइबिलिटी में? क्योंकि बेटा अब तक पे नहीं हुआ है, और जब पे नहीं हुआ है तो आप इसको लाइबिलिटी साइड। टोटल आपका मैच हो चुका है बैलेंस शीट में 1,26,000, 1,26,000, 126, 126। पूरा क्वेश्चन आपका 25 वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जीनियस बच्चे ऐप डाउनलोड जरूर अवश्य करें, और बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है।